आर्मी, इतिहास, मेसोपोटामिया, लेखन, कला और शहरी जीवन के बारे में पूर्व में पढ़ा चुका हूँ। आज मेसोपोटामिया की संस्कृति में शहरों का क्या महत्व होता है, इसके बारे में आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। मेसोपोटामिया की संस्कृति में शहरों के विकास के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक थे। कोई भी शहर का विकास जो होता है उसमें मूलभूत कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं। शहरों के विकास के लिए, संस्कृति के विकास के लिए राजनीतिक जीवन महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक जीवन क्या होता है, शहरों में राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक जीवन से व्यक्ति अपने समाज के लिए, शहर के लिए, प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक जीवन के लिए राजनीतिक जीवन मेसोपोटामिया की सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता के आरंभ में नगर राज्य थे, परंतु बाद में हम्मुराबी के शासनकाल से विशाल साम्राज्यों की स्थापना होने लगी थी। मेसोपोटामिया ने निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की प्रचलित थी। इस काल में राजा स्वेच्छाधारी, निरंकुश और देवी अधिकारों से युक्त होता था। सामाजिक जीवन की विशेषताएं होती हैं। मेसोपोटामिया के समाज में वर्गभेद, समाज स्पष्टता तीन भागों में विभाजित था। प्रथम वर्ग को उच्च वर्ग कहा जाता था, जिसमें शासक, सामंत, उच्च अधिकारी, बड़े जमींदार, पुरोहित लोग आते थे। द्वितीय वर्ग को मध्यम वर्ग कहा जाता था, जिसमें किसान, शिल्पी, व्यापारी आदि लोग आते थे। तृतीय वर्ग को निम्न वर्ग कहा जाता था, जिसमें दास लोग आते थे। मेसोपोटामिया के समाज में स्त्रियों की दशा सामान्य थी। सामान्यतः एक पत्नी विवाह की प्रथा प्रचलित थी, यद्यपि समाज में दहेज का प्रचलन था, किंतु समाज में पिता से प्राप्त दहेज पर वधू का ही अधिकार होता था। मेसोपोटामिया के लोग रहने के लिए ईंट के मकान बनाते थे, चिकनी मिट्टी की बनी हुई ईंट होती थी। ईंट मुख्यतः कच्ची भी होती थी, लेकिन कहीं कहीं पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। भवन निर्माण के लिए समय, हवा, रोशनी तथा जल का पर्याप्त ध्यान रखा जाता था। इस सभ्यता के अंतर्गत मकान सुंदर कलात्मक बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया के लोग कौन कौन सा भोजन करते थे? भोजन में गेहूं, जौ, दूध, दूध से बने पदार्थ तथा फलों आदि का प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त वे मांस खाते थे, मछली का भी भोजन प्रयोग में करते थे। लोग सूती ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। वे लोग भेड़ की खाल से बने
वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। यहाँ के लोग आभूषण प्रिय थे। ये लोग सोने चांदी के आभूषण धारण करते थे। तीसरा है मेसोपोटामिया की संस्कृति में धार्मिक जीवन और मंदिर का क्या महत्व था। मेसोपोटामिया के लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। प्रत्येक ग्राम और शहर अपना देवता होता था। अधिकांश देवी देवता प्रकृति की शक्तियों के प्रतिनिधि माने जाते थे। उदाहरण इनाना प्रेम और युद्ध की देवी थी, जो डर चंद देवता के रूप में पूजे जाते थे। एनी लिल सुमेर में पूजे जाने वाले देवता में प्रमुख थे। इनको मानवता का स्वामी और राजाओं का राजा माना जाता था। विभिन्न देवी देवताओं के निवास के लिए बनाए गए मंदिर उनके घर होते थे। प्रारंभ में मंदिरों का निर्माण विशेष योजना के अंतर्गत किया जाता था। मंदिर का केंद्रीय कक्ष देवी देवताओं के प्रतिभा कक्ष गर्भगृह से जुड़ा होता था तथा मंदिरों में दोनों तरफ गलियारे देवी देवता की प्रतिमा का निर्माण घर की योजनानुसार किया जाने लगा। इस योजना के अंतर्गत एक खुले आंगन के चारों ओर अनेक कमरे बनाए जाते थे। इन मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ति के दर्शन सीधे नहीं होते थे। वहां तक पहुंचने के लिए आंगनों बाहरी कक्षों से होकर गुजरना पड़ता था। सभी मंदिर लगभग एक जैसे ही बने होते थे, अतः ये घर जैसे दिखते थे ये मानव जीवन से जुड़ी गतिविधियों के केंद्र बिंदु थे। सुमेरिया के नगर राज्यों पर ऐसे राजाओं ने शासन किया जो पुजारी भी थे। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही व्यक्ति पूजा एवं शासक दोनों रूप में कार्य करता था। इससे स्पष्ट है कि मंदिर पूजा स्थल के साथ साथ पुजारी और शासक निवास स्थान ही भी था। मेसोपोटामिया के लोग मंदिर को भूमि तथा बहुमूल्य वस्तुएं दान में दिया करते थे। यहाँ के लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरी आदि पशुओं की बलि चढ़ाते थे। यहाँ के लोग जादू टोना, भूत प्रेत, भविष्यवाणियों, ज्योतिषियों, पुरोहितों पर विश्वास करते थे। मेसोपोटामिया का आर्थिक जीवन कैसा था? मेसोपोटामिया के लोगों का आर्थिक जीवन संपन्न और सुखी था। यहाँ की भूमि उपजाऊ होने के कारण यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। गेहूं, जौ और मक्का प्रमुख रूप से उगाए जाते थे। मेसोपोटामिया के लोगों का दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। इनके पालतू पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि प्रमुख थे। यहाँ के लोग संभवतः घोड़े से परिचित नहीं थे। मेसोपोटामिया में उद्योग धंधे उन्नत अवस्था में थे। मेसोपोटामिया के लोग अनेक प्रकार की दास्तकारियाँ भी जानते थे। कपड़ा बुनना इनका मुख्य उद्योग था। सोने, चांदी, तांबा, कांसा और शीशा आदि वस्तुओं की अनेक वस्तुएं मेसोपोटामिया में बनाई जाती थी। यहाँ के लोग चाक की सहायता से सुंदर बर्तन भी बनाते थे। उद्योग धंधे के साथ साथ यहाँ के लोगों का व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। उनका व्यापार पश्चिम में भूमध्य सागर व पूर्व में सिंधु नदी तक फैला हुआ था। यहाँ के लोग विदेशों से सोना, चांदी, तांबा, बहुमूल्य लकड़ी आदि मंगाते थे। अनाज, आभूषण तथा स्वतंत्र आदि विदेशों से भेजते थे। कानून का निर्माण एवं संग्रह। मेसोपोटामिया में न केवल कानूनों का निर्माण किया जाता था, अपितु बेबीलोन के शासक हम्मुराबी द्वारा उन्हें पत्थर पर खुदवाकर संग्रहित भी किया गया। फ्रांसीसी पुरातत्वविद को
सूसा ईरान की खुराई में हमुराबी की विधि संहिता प्राप्त हुई। यह विधि संहिता पेरिस के लुवेर संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। इस विधि में संहिता की एक उत्तम अनुकृति ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में भी विद्यमान है। हमुराबी ने इस विधि संहिता को एक पत्थर पर खुदवाया था। काले रंग के इस पत्थर की ऊंचाई लगभग 8 फीट थी। यह विधि संहिता 3600 पंक्तियों में लिपिबद्ध की गई थी। इसमें 285 धाराएं थी। इनकी प्रमुख विशेषताएं थी। नंबर एक है, कानून अमीर व गरीब सभी के लिए समान था। नंबर दो, कानून को कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता था। अपराधी को सजा देने का काम सरकार का था। नंबर तीन, दिवालों को जिनके पास पर्याप्त धन था, कर्जदारों को मुक्त धन देने के लिए बाध्य किया गया ताकि वे गुलामी से मुक्ति पा सके। चौथा, सभी प्रकार के ठेकों के लिए नियम निर्धारित किए गए थे। पांचवा, कर्जदारों को राहत देने के लिए रहन रखने की प्रथा चालू की गई। छठवां, मुआवजा देने की प्रथा को भी लागू किया गया। सातवां, रोजनदारी पर कार्य करने वाले श्रमिकों की मजदूरी तय की गई। आठवां, नौकर तथा नौकर रखने वाले दोनों के लिए नियम बनाए गए। नौवां, ब्याज की दरें निर्धारित की गई। दसवां, जहाज पर काम करने वाले चिकित्सकों की फीस तथा कारीगरों की पारिश्रमिक दरें भी संग्रहिता द्वारा निर्धारित की गई। इस विधि संहिता में समाज के सभी समान अधिकारों व नियमों की व्यवस्था की गई। इन कानूनों को लिपिबद्ध करके विशाल साम्राज्य के जन समूह में उन्हें लागू करना निस्संदेह महान कार्य था। अबू राबी ने विधिक संहिता बनाकर आज के विश्व को यह बताने के लिए मजबूर कर दिया कि मानव सर्वोच्चता सपरिवार है। लेखन कला और साहित्य का विकास। मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन कला का आविष्कार महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मेसोपोटामिया के लोग ने जिस लिपि का विकास किया उसे कीलाकार लिपि कहा जाता है। इस लिपि का आविष्कार लगभग 3000 ईसा पूर्व में सुमेरिया के लोगों ने किया था। इस लिपि में लगभग 300 अक्षर थे जिन्हें चिन्हों, चित्रों और संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता था। इस लिपि को चिकनी मिट्टी की गीली तख्तियों पर नुकीली वस्तु कलम से लिखा जाता था। सुमेरिया की धातु में एक ऐसा पुस्तकालय भी मिला जिसे 30,000 तख्तियों के क्रम अनुसार रखा गया। इस लिपि के अनेक लेख भी प्राप्त हुए। इस लिपि को एक अंग्रेज अधिकारी हेनरी रॉलिंसन ने सबसे पहले पढ़ा था। कला का विकास। मेसोपोटामिया के लोगों ने स्थापित कला के क्षेत्र में स्तंभ, मेहराब, गुम्बद निर्माण का प्रयोग किया। उन्होंने विशाल राजमहलों, जिगुरात जैसे भव्य कलात्मक कृतियों का निर्माण किया। यहाँ के चित्रकारों ने राजमहलों, मंदिरों की दीवारों पर विभिन्न चित्रों का सजीव अंकलन किया। यहाँ के लोग पशु पक्षियों व धर्म संबंधित चित्र अधिक बनाते थे। इस सभ्यता के विकास काली मूर्तियों का निर्माण भी हुआ। इस काल में मुद्रण कला, काष्ठकला, फर्नीचर, संगीत कला का भी विकास हो चुका था। विज्ञान का विकास। मेसोपोटामिया के लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति की थी। यहाँ के लोगों ने गणित, खगोल, ज्योतिष एवं औषधि विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय उन्नति की थी। गणित के क्षेत्र में घट दशमिक प्रणाली का आविष्कार यहीं के लोगों की देन थी। ज्योतिष के क्षेत्र में
भी यहाँ के लोगों ने महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की थी। यहाँ के लोगों की उन्नति थी कि ज्योतिष के क्षेत्र में आके लोग महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की। यहाँ के लोगों ने नक्षत्र की गति के आधार पर मौसम संबंधी जानकारी का ज्ञान प्राप्त था। यहाँ के लोगों ने चंद्रमा की गति पर आधारित पंचांग कैलेंडर भी बनाया था और ये सूर्य चंद्रमा ग्रहण की भविष्यवाणी करने में सक्षम थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के रसायनों औषधियों का आविष्कार भी इन्हीं लोगों द्वारा किया गया था।